लेकिन इस वक्त ये सवाल बेहद अहम हो जाता है कि क्या इस चुनाव में सीएए एक बड़ा मुद्दा बनेगा। इसे जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची राजस्थान के जोधपुर, जहां बड़ी तादाद में शरणार्थी रहते हैं। चार जून को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इसलिए लोग कह रहे हैं चार जून को। एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। 4 जून को नतीजों के बाद केंद्र में भाजपा सरकार बनेगी। अब की बार 400 पार की हुंकार भरने वाले हिंदुस्तान के प्रधान जब एंटी इनकम्बेंसी की हर दीवार को ध्वस्त करने के लिए आश्वस्त हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी आधी आबादी के आश्रय राहुल गांधी या कहिए समूचे विपक्ष को चक्रव्यूह में खड़ा कर रहे हैं, जब मोदी सरकार अपने पुरातन वोट बैंक को साधने के लिए सीएए को सीढ़ी बनाने की कोशिश में, तब पड़ोसी मुल्कों के गैर मुस्लिमों को नागरिकता की गारंटी देने वाले कानून पर सियासी घमासान छिड़ा है। बीजेपी की ये एक पुरानी आदत है, इलेक्शन के नजदीक माइनॉरिटीज को निशाना बनाते हैं, तो सीएए उसी हवाले से जो है एक और कदम है कि बिहार में सीएए लागू नहीं होगा। सब लोगों को नागरिकता मिलती है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है, और आपत्ति करने वाले लोग ऐसे लोग क्या इस समाज के हितैषी नहीं है, ये उनसे पूछिए जाकर। सीए कानून लागू हो गया है, इसका मतलब ये है कि पड़ोसी मुल्कों से विस्थापित होकर आए वहाँ के अल्पसंख्यक यानी कि गैर मुसलमानों को अब हिंदुस्तान में नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या आने वाले 2024 के चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जिस बिल को 2019 में पास कर दिया गया था उसे की अधिसूचना जारी करने में 5 साल का वक्त लग गया, तो क्या आने वाले चुनाव में सीए एक अहम मुद्दा होगा? क्या मोदी ने सीएए लागू कर अपने वोट बढ़ा लिए हैं या फिर बीजेपी को सीएए लागू करने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? इसी को समझने के लिए इस वक्त हम राजस्थान के जोधपुर में मौजूद हैं, जहां पे बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ साथ विस्थापित हिंदुओं की भी आबादी है। ब्लू सिटी के नाम से विख्यात जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां किले, महल, मंदिर, हवेलियां और बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, जहां मेहरानगढ़ दुर्ग और उम्मेद पैलेस सरीखे भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। वो सूर्य नगरी जहां की सियासत में गजेंद्र सिंह शेखावत की चमक और अशोक गहलोत की दमक भी है, जहां से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान की सरहद है। वहाँ सीएए को लेकर मुसलमानों के दिमाग में क्या चल रहा है, सुनिए। इस वक्त हम जोधपुर के घास मंडी लोहारों के चौक के इलाके में हूँ। बात वही है, सवाल वही है कि क्या आने वाले चुनाव में मोदी की गारंटी का असर दिखेगा। हालांकि ये दावा किया जा रहा है बार बार कि जिन बातों की गारंटी दी उन बातों को पूरा किया, और इसी कड़ी में अभी जो बिल्कुल जिस गारंटी की बात की जा रही है कि सीएए को कानून का रूप दे दिया गया है। चलिए, यहाँ पे इस मोहल्ले के तमाम लोग मौजूद हैं। अभी सीएए कानून आ गया, अब इस कानून में है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम आएंगे उनको तो नागरिकता मिल जाएगी, मुसलमानों को नहीं मिलेगी। तो बुरा लगता होगा ना नागौरी साहब? ऐसा है कि बुरा क्यों लगे, जो रह रहे हैं यहाँ, सीएए कानून सबके लिए अच्छा है। देखो, इसमें कानून में मुसलमानों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हिंदुस्तानी मुसलमानों को, हिंदुस्तान की मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे देश के गृह मंत्री बोल चुके हैं अमित शाह जी।
आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जो सीए कानून जो बना है ये कांग्रेस भ्रम फैला रही है क्या मुसलमानों को देश से निकाला जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुसलमान क्या है आपका? मेरा नाम आरिफ नागौरी है। आरिफ साहब आप कहाँ खड़े हैं मालूम है आपको? मैं जोधपुर शहर में खड़ा हूँ, हिंदुस्तान में खड़ा हूँ। गहलोत साहब का इलाका है। तो गहलोत का है तो क्या, वो तो गहलोत को या मालिक थोड़ी है यहाँ के। ये जो बात की जा रही है कि सिर्फ मुसलमानों को छोड़ के बाकी कोई आएगा उसे तो नागरिकता दे दी जाएगी। तो मुसलमान आएगा ही क्यों जी? मुसलमान तो आना पसंद, मुसलमान जो है वो अपने वहाँ रह रहा, जो है हिंदू जो वहाँ पे अल्पसंख्यक है और उनको वहाँ परेशान किया जा रहा वो लोग आते हैं, मुसलमान तो नहीं आएगा। ये भी मोदी की गारंटी है। ये बिल्कुल मोदी की गारंटी है। जो मुसलमान जो बाहर से आ रहे हैं, जो देश में आतंक फैला रहे हैं, उनको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। ये चुनाव में एक मुद्दा होगा क्या CAA? जी हाँ, चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा होगा। ये कौन इस्तेमाल करेगा इसको? इसको बीजेपी बुनाएगी, बहुत अच्छी तरह से बुनाएगी। बिल्कुल चुनावी मुद्दा होगा, लेकिन इसमें जो कांग्रेस वाले ये भ्रम फैला रहे हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाला जाएगा, क्यों निकाला जाएगा? जितना हिंदुस्तान हिंदुओं का उतना ही हमारा है। चुनाव का जब वक्त आता है तो बहुत तरह की बातें की जाती हैं ना। बिल्कुल बहुत तरह की बातें की जाती है। वो बातें इसलिए की जाती है कि हिंदू मुस्लिम जो है कांग्रेस आज तक करती आई है। कांग्रेस ने जो है बिल्कुल वो जो है कांग्रेस जो है उसका काम यही है कि अल्पसंख्यकों को दबाना, अल्पसंख्यकों के बारे में कोई सोचना नहीं, सिर्फ जो एक झुंझुना जो है वो पकड़ा देना। झुंझुना जो है ये तो ये बरसों से हमारे दादाजी वगैरह, ये आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है। नहीं जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का यही नारा है कि सबका साथ सबका विकास। काम के नजरिए से देखा जाए तो मोदी जी बेस्ट है, काम करवा रहे हैं हिंदुस्तान में। ये रेलवे हुआ, हॉस्पिटल हुआ, हर जगह सेक्टर। राहुल गांधी वगैरह कैसे लग रहे हैं? राहुल गांधी अच्छा है, जो अभी मेहनत कर रहा है बहुत अच्छी कर रहा है। हाँ, इसको ये मेहनत 10 साल पहले करनी थी, तो आज राजनीति में कुछ अलग कर रहा है। वहीं कुछ और भी लोग मौजूद थे। कैमरा जब उनकी ओर मुड़ा तो उन्होंने क्या कहा सुनाते हैं। अगर सरकार कुछ कर रही है तो जनता की भलाई के लिए कर रही है, कुछ अच्छे के लिए कर रही है। CA कानून लागू हो रहा है, ये हो जाएगा, मुसलमानों को कहाँ निकाल देंगे? मुसलमान मोदी जी से सबसे मोहब्बत करते हैं, वो तो सबसे भाईचारा बनाए के रखते हैं। ये क्या कोई हो जाते हैं? ऐसे लोग भी हैं जो क्या पार्टी को बदनाम करने के लिए उतरे हुए हैं। मुसलमान बड़े दुखी नहीं, कोई दुखी नहीं है, सब भाईचारे से रह रहे हैं। और हिंदुस्तान में जो लोग भ्रम फैला रहे हैं ना कि वहाँ से आ जाएंगे, मैं आपको विश्वास दिला दूँ क्योंकि मैं खुद पड़ोसी मुल्क 3 दफ़े जाके आ चुका हूँ। पाकिस्तान 3 दफ़े मैं जाके आ चुका हूँ। वीज़ा लेने में हमें बहुत कठिनाई होती है, जो आज आपके मीडिया के माध्यम से अखबार में न्यूज आई थी कि धार एक्सप्रेस को पुनः वापस चालू किया जाए। मेरी और रिक्वेस्ट है आपकी मीडिया के माध्यम से कि इसको धार को वापस चालू किया जाए और जहाँ के रिश्तेदार पाकिस्तान को ही मिला लिया जाए वो तो अब तक जाएगा। ये सरकार रहेगी मिल जाएगी, अपना कोई सरकार रहेगी तो मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब मोदी सरकार रहेगी तो पाकिस्तान आ जाएगा, नो डाउट। वहाँ की पब्लिक की भी नजर में है कि अच्छा काम हो रहा है, वहाँ जितनी महंगाई है हद से ज्यादा महंगाई है वहाँ पर, और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो महंगाई है, नहीं इतनी जो आप जान रहे होती है, नहीं है, थोड़ी बहुत 25-30% होगी, ये सब जगह चलता है। मैं तो यही कह रहा हूँ, अच्छा काम किया, रामलीला का मंदिर बना। कांग्रेस ने तो सरकार, कांग्रेस चाहती ना तो बना सकती थी, लेकिन नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? मोदी जी फर्स्ट टाइम गए दर्शन करने के लिए, उन्होंने मन में कह दिया कि मैं यहाँ मंदिर बनाऊंगा और घर दूंगा राम जी को, और दे दिया, मुद्दा खत्म कर दिया, मुद्दा खत्म, ताले फिरता हूँ। मैं कहता हूँ मोदी जी है मुमकिन है। तो क्या आपको लग रहा है 400 पार? 400 से पार आएगा भाई साहब, देखना ना। कहाँ से आए? मैं कह रहा हूँ 400 से पार भाई साहब, 400 तो सीटें 100% आएगी। लोग तो कह रहे हैं कि पिछली बार 25-25 दिया, अशोक जी कम होगा। अशोक जी के तो तबला साहब है भाई साहब, अशोक जी के खुद ने जीतने की आशा नहीं है अब। ये तो ठीक है कि भाई साहब जीत गए, ठीक है ना, लेकिन अशोक जी का तबला साहब है भाई साहब। सिकंदर भाई को पसंद आ रहे हैं मोदी जी? मोदी जी मेरा है ना भाई साहब, गुरु जी है, गुरु जी मांगता हूँ मैं आप मोदी जी को, मेरे को आशीर्वाद मिला हुआ है। तो ऐसा CA आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है। अगर CA होता है तो कोई मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, आज तक कोई दिक्कत नहीं होता, आगे क्या होगी बताइए आप। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA से क्या होने वाला है वो समझिए जरा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई शरणार्थियों को ही भारत की नागरिकता दी जाएगी। जिन शरणार्थियों ने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है, नागरिकता सिर्फ उन्हें ही दी जाएगी। CAA कानून से भारतीय नागरिकों के अधिकारों पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ेगा। ये बात जोधपुर के घंटाघर के पास मौजूद कमोबेश हर मुसलमान को पता है।
अभी एक नया कानून आ गया CAA, सुना आपने? क्या चीज है ये BCAA? हम तो समझे कौन सी है, क्या चीज होती है ये? कानून आया है नागरिकता संशोधन कानून। कई कानून आ गए तो इंडिया में जितने रहेंगे कानून कई है, कानून पर कोई अमल तो करता है नहीं। गैर मुस्लिमों को दे और मुस्लिमों को क्यों ना दे? मुस्लिमों को इसलिए नहीं दे रहे कि ऑलरेडी जो है हम मुसलमान जो है यहाँ पर ताबीज हैं। अगर दो चार अगर एक्स्ट्रा आएंगे तो दिलाएंगे। हम अमित शाह जी से कहेंगे भी हमारे मुस्लिम समाज को भी जो है नागरिकता दी जाए। इस इलाके के ज्यादातर मुसलमान इससे आश्वस्त हैं कि CAA से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये CAA वगैरह कुछ मालूम है आपको? क्या है CAA? CAA जो अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उन पर अत्याचार होता है, उनको हिंदुस्तान में लाने के लिए है ये। आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा, सही है, मजलूम आदमी इंसान की कोई मदद करता हुआ अच्छा है। तो ये बताइए, चुनाव में इकराम भाई के लिए ये राम जी बड़े मुद्दे होंगे, CAA बड़ा मुद्दा होगा, महंगाई मुद्दा होगा, बेरोजगारी मुद्दा होगा, या फिर गहलोत साहब का जादू चलेगा छड़ी घुमा के? गहलोत साहब का तो पहले भी जादू नहीं चला, अब भी नहीं चलेगा। किसका चलेगा जादू? ये मोदी जी का चलेगा। पाकिस्तान से सटे राजस्थान में बड़ी तादाद में शरणार्थी रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 35,000 से ज्यादा शरणार्थी तकरीबन 15 सालों से नागरिकता के लिए भटक रहे हैं। लिहाजा ABP न्यूज की टीम जोधपुर शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच बसी शरणार्थियों की बस्ती पहुंचा, जहां CAA पर नोटिफिकेशन लागू होने के बाद से जश्न है। जयपुर शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूरी पे ये बस्ती है। इस बस्ती को यहाँ के लोगों ने पाकिस्तानी शरणार्थी बस्ती का नाम दिया है, लेकिन जब से CAA का कानून आया यहाँ पे उत्सव सा माहौल है। हमें जो जानकारी मिली है कि तकरीबन 5,000 से 6,000 लोग जो पाकिस्तान में रहते थे पहले, वहाँ से खास करके ये तमाम लोग हिंदू समुदाय के हैं, ये पाकिस्तान से कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल पहले यहाँ आ गया था, लेकिन अब जब ये कानून आया है तो पहले इस माहौल को देखिए आप, उसके बाद इन तमाम लोगों से बातचीत की जाएगी। तो देखिए कुछ इस तरह का माहौल है, तमाम लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल मंजीरे बज रहे हैं, और ये मंदिर है। और मैं आपको पहले इलाका दिखाता हूँ, बंजर सा इलाका है। इन्हीं लोगों से बात करते हैं, कब आए, कैसे आए, और यहाँ पे कैसे आप लोग आकर यहाँ सेटल हुए, पाकिस्तान में क्या परेशानियाँ हुई, यहाँ आने के बाद किस तरह का माहौल था। हम विस्थापित लोग 2014 में मोस्टली आए हैं और उससे पहले भी आए हैं, और यहाँ प्रीफर इसलिए किया कि लोग जो सर यहाँ जो पाकिस्तान गए थे तो सारे अपने सीमावर्ती एरिया जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर सरहदी एरियों में थे। एक बात आप गौर फरमाएं कि इनके जो अल्फाज हैं, ये अल्फाज आपको यहाँ के अल्फाज नहीं, देखिए इनमें उर्दू के शब्द हैं, तमाम चीज़ें। कितने उम्र तक आप रहे पाकिस्तान? सर मैं 2014 में आया हूँ, मेरी जो मेरा पूरा जो जीवन वहीं गुजरा है, और हमारे जो बुजुर्ग थे वो 47 से पहले ही चले गए थे। मोदी जिंदाबाद, मोदी हमारे को CAA लागू किया तो हमारे को इतनी खुशी हुई है, हम एक दिवाली नहीं की, 3-4 दिवाली हमने किए। लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई भारत के लोग हैं जो बाहर कमाने जा रहे हैं, मोदी जी जो है उनको सिटीजनशिप यहाँ ला के दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, क्या हमारा कोई हक नहीं है हिंदुस्तान में? अगर एक बात है हिंदुस्तान, भाई भारत हिंदू कहाँ जाएगा, मेरे को ये बात बताओ, अगर हिंदुस्तान में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान भी होंगे जो परेशान होंगे वहाँ, उनको इजाज़त नहीं दी गई है? सर तो उनका तो खुद का मुल्क है, वो क्यों परेशान है? तो अब तो आपको मत का अधिकार भी मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी इसे दो अपना 2019 के कानून के एक्ट के हिसाब से ये काफ़ी लोग ऐसे 15-20 हज़ार जो है पेंडिंग में, जिनकी बिल्कुल दिली ख्वाहिश है, अब तो पूरे इनका एक जोश और जज्बे के साथ भारतीय बनकर और मोदी जी को वोट देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जोधपुर में 18,200 लॉन्ग टर्म वीजा धारक, 5,000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको अब तक LTV भी नहीं मिला। लिहाजा बड़ी तादाद ऐसे शरणार्थियों की है जो CAA लागू होने के बावजूद भारत के नागरिक नहीं बन पाएंगे। सियासी तौर पर देखें तो ये जोधपुर कभी अशोक गहलोत का गढ़ हुआ करता था, लेकिन सूबे की सियासत में गहलोत की एंट्री के बाद ये पूरी तरह से BJP के कब्जे में आ गया। 1980,
1984, 1991, 1996 और 1998 में अशोक गहलोत जोधपुर से सांसद थे। 2014 से गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से सांसद बन रहे हैं। बीजेपी ने फिर से जब गजेंद्र को मैदान जंग में उतारा है तो कांग्रेस ने करण सिंह कुचियारड़ा को टिकट दिया है। जब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तब जोधपुर के बुम्बा मौला इलाके के लोग सीएए को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। इस वक्त हम जोधपुर के बुम्बा मौला में हैं, यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी भैया जी, ये बताइए, आप लोगों को मालूम है एक सीएए कानून पास हुआ है? हाँ भैया मालूम है। क्या मालूम है? सीए कानून है जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से मुस्लिम को छोड़कर सबको बुला रहे हैं। मतलब वो नागरिकता दी है सब। लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कोई राजनीति हो रही है, कोई वोटों की राजनीति? बिल्कुल वोटों की राजनीति है, बगैर राजनीति कौन करता है? सरासर भेदभाव हो रहा है, मुस्लिम के साथ में सरासर भेदभाव हो रहा है। दीन साहब को कैसा लग रहा है ये कानून? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो 2 करोड़ नौकरियों का बोला था, पहले वो दे दे, सीएए बाद में ले लेंगे हम। आबिद साहब ये देखिए, पवित्र रमजान का महीना चल रहा है और एक दिन पहले सीएए कानून आया है। पहले सीएए कानून आपने तो सुना ही होगा? बिल्कुल बिल्कुल सुना है। तो फिर कैसा लग रहा है? बिल्कुल गलत नीति है ये, सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने का तरीका है कि कैसे गुमराह किया जाए। हम वासिंदा यहाँ के ही रहने वाले हैं, राजस्थान के हैं, पर हम हिंदुस्तानी है, फिर उसके बीच में हमें क्यों टटोल रहे हैं? आप उन आदमी को रोको ना जो बाहर से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? मजदूरी के लिए आ रहे हैं या किसी और काम के लिए आ रहे हैं? वो क्यों आ रहे हैं? वहाँ बॉर्डर पे नहीं रोक सकते आप उसको? क्यों नहीं रोकते आप बॉर्डर पे? ये बताओ, अब तो रोजा खोलने का वक्त हो रहा है, इफ्तारी का वक्त है और मैं इसी वक्त टपक गया हूँ सीएए लेके। क्या समझ में आ रहा है ये सीएए वगैरह? सीए का थोड़ा कंफर्म नहीं है सर, लेकिन हम तो ये चाहते हैं, मोदी जी ने बोला था सबका साथ सबका विश्वास, तो वो चीज़ होती नहीं है, मुसलमानों को टारगेट बनाया जाता है। सबके अपने अपने तर्क हैं, अपने हिसाब से तथ्य भी हैं और ये भी सियासी हवा का रुख तय करने के लिए अहम है। आपको बता दें कि जोधपुर में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। ABP News, आपको रखे आगे।